दोस्तों इस समय एल्विश की जमानत तो हो चुकी है, लेकिन उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। देखिए, कुछ लोग इस वीडियो को उस तरीके से देख रहे हैं कि भाई अपने पापा को प्रोटेक्ट किया, तो कुछ लोग इसको उस एंगल से देख रहे हैं कि भाई पुलिस वाले को कैसे घूर रहा है। ये क्लिप मैं आपको दिखाऊंगा और उसके बाद आपके क्या ओपिनियंस हैं, मैं सरासर वही जानना चाहूंगा। सबसे पहले तो नमस्कार आप सभी का, आप देख रहे हैं फीफा फूज, मेरा नाम गणेश कांदू है और स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर। आपको बता दें कि यार देखिए, एक बात बहुत ज़्यादा क्लियर होती है कि जब आपको इतने सारे लोगों ने घेरा हुआ है, सबसे पहले तो आप एक नोन नाम हो और उस बीच में समझ लीजिए कि आपकी इयरिंग लग गई। अब ऑलरेडी कोर्ट में इतने सारे लोग मौजूद हैं, ऑलरेडी इतनी ज़्यादा भीड़ है, उसमें आपके पापा आपसे मिल रहे हैं, मतलब जाहिर सी बात है, देखिए वो एक समय होता है, मिलने को मिलता ही है वैसे भी। तो एल्विश के पापा एल्विश के पास आते हैं, बात कर रहे होते हैं, उसमें पुलिस वाला कुछ तो जो इंस्पेक्टर है कुछ तो बोलते हैं और शायद दूर रहने के लिए बोलते हैं, जितने में एल्विश अपना हाथ इस तरीके से अपने पापा के आगे डालते हैं और पुलिस वाले को ऐसे जो है देखने लगते हैं। मैं आपको क्लिप दिखाता हूँ, लोगों के ओपिनियंस बहुत अलग अलग है भाई, जाहिर सी बात है सबका सोच मिले ये जरूरी भी नहीं है, लेकिन एक वीडियो आप देखिए और उसके बाद फिर मैं देखना जानना चाहूंगा कि आपका क्या रिएक्शन है इस पर। इसमें मैं गाना नहीं प्ले नहीं कर पाऊँ, गाना बज रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे कि कैसे पुलिस वाले एलुष के पापा को कह रहा है, एलुष बीच में आएंगे और अब ये स्टेयर आप देखिएगा, ये जो देख रहे हो आप। तो कुछ लोग इसको ये कह रहे हैं कि भाई एलविश पुलिस वाले को घूर के कैसे देख सकता है, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई अपने पापा को प्रोटेक्ट कर रहा था। और फिलहाल अगर देखा जाए तो मैं कुछ कमेंट्स भी आपके सामने पढ़ूं, तो कोई लिख रहा है भाई झंडे गाड़ के निकले और हिस्ट्री क्रिएट करनी है, कोई लिख रहा है द वे ही प्रोटेक्टेड अंकल, कोई लिख रहा है टाइम पुलिस वालों को 2 दिन बाद सिक्योरिटी देंगे मीटअप के लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस देगी एलविश को। उसके बाद कोई लिख रहा है पुलिस वाले को कैसे घूर रहा है देख लो। उसके बाद को लग रहा है भाई कितनी इंसल्ट झेल रहा है, कोई नहीं झेल सकता बिना गलती के, दैट कंट्रोल। और देखा जाए, देखिए जाहिर सी बात है वो उस समय आपका वैसा एक्शन हो सकता है, मैं उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, बट असलियत तो यही है कि एल्विश अपने पापा को पीछे कर रहे थे, उनका वहाँ पे कोई गलत इंटेंशन तो इस वीडियो में मेरे को भी देखने में नहीं आया। लेकिन वही बात है भाई, जब इंसान किसी को नापसंद करे तो खामी अपने आप ढूंढ ही लेता है। फिलहाल इस पर आप लोगों की क्या राय है जरूर बताएगा हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, धन्यवाद।